वहीं काशी की कानूनी लड़ाई के बीच हिंदू पक्ष के लिए कल बागपत से भी एक अच्छी खबर आई है। बागपत की इरिजे कोर्ट ने यहां के विवादित जमीन को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई पर फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाया है। अदालत ने इसे हिंदू पक्ष की जमीन करार देते हुए मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज कर दिया है। बागपत के लाक्षागिरी कब्रिस्तान विवाद में कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष के समर्थन में आया है। अदालत ने भूमि को महाभारत कालीन लाक्षागिरी बताते हुए मुस्लिम पक्ष के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें इसे कब्रिस्तान बताया गया था। तमाम गवाहों के बयान और साक्ष्यों के बिना पर कोर्ट ने ये पाया कि 108 बीघा की जमीन हिंदू पक्ष की है। ये करीब 108 बीघा जमीन है, एक मनहेक टिल्ला है, ये बहुत ऊंचा टिल्ला है जो है ये। और ऊंचा टिल्ला क्यों है? ये टिल्ला इसलिए है ये कि चूंकि यहाँ बता रहे इस बात के लिए कि यहाँ पांडव आए थे और उनको जलाने के लिए, मारने के लिए एक लाखा मंडप बनाया गया था। आपको बता दें कि बागपत जिले के बरनामा में लाक्षागृह की जमीन को लेकर 1970 से अदालत में केस चल रहा था। मुस्लिम पक्ष इस जमीन को सूफी संत शेख बद्रुद्दीन की मजार बता रहे थे। इसे लेकर सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें इसे कब्रिस्तान की जमीन बताया गया था, जबकि हिंदू पक्ष का दावा था कि ये महाभारत कालीन लाक्षागृह है जहाँ पांडवों को कौरवों ने जलाकर मारने की कोशिश की थी। अब 53 साल बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे को सही माना है। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में आज समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया जाएगा। यूसीसी को लेकर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में विधायकों को खास निर्देश दिए गए हैं। विधायकों को कहा गया है कि कानून सभी के लिए बराबर हो, इसी उद्देश्य को लेकर इस कानून को लाया जा रहा है। पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नजर हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में भी इस मुद्दे पर काफी चर्चा की गई है। वहीं AIUDF विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम ने कहा है कि ये बीजेपी की जुमलाबाजी है। अब ये सब बीजेपी का, देखिए ये सब जुमलाबाजी है। अगर UCC लाना है और क्या करना है वो पार्लियामेंट में लाते, उसको वहाँ डिस्कस करते, इसकी जरूरत है या नहीं है, पार्लियामेंट में उस पर बहस होती, बातें होती, तब जाके एक सिद्धांत होता। गोवा के बाद उत्तराखंड जल्द ही देखे समान नागरिक कानून जो है वो लाने जा रहा है। और अब हम आपको बताते हैं कि यूसीसी बिल में महिला सम्मान को लेकर क्या क्या बड़ी बातें कही गई है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं। 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं हो सकेगी, तलाक के लिए पति पत्नी को समान अधिकार भी मिलेगा, तो वहीं बहुविवाह, हलाला, इद्दत पर पाबंदी लगेगी। पारिवारिक संपत्ति में लड़कियों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, दूसरे धर्म में शादी पर भी जो है अधिकार कम नहीं होंगे। तो यूसीसी से किस तरह से महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा ये हमें आपको बताया। तो उत्तराखंड विधानसभा से बिल पारित होने के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली समिति ने जो सिफारिशें दी हैं उसके मुताबिक जो यहां पर बातें कही गई है कि सभी धर्मों में तलाक के लिए एक ही नियम होगा जो कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का नियम भी सब पर एक ही तरीके से लागू होगा। संतान गोद लेने की प्रक्रिया भी, यानी कि अडॉप्शन की प्रक्रिया भी सभी धर्मों के लिए एक जैसी होगी। सभी धर्मों में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही पारिवारिक संपत्ति में लड़की को भी समान अधिकार मिलेंगे। अगर लड़की किसी दूसरे धर्म में शादी करती है तो भी उसके अधिकार कम नहीं होंगे। सभी धर्मों में एक ही तरह की एक ही शादी की इजाजत होगी, यानी बहुविवाह प्रथा पूरी तरह से गैर कानूनी इसमें अब मानी जाएगी अगर ये कानून लागू हो जाता है तो। साथ ही राज्य में लिव इन में रहने के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला किया। करीब 100 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की भी गारंटी दी। पीएम ने कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी, और अब की बार पीएम मोदी ने
इंडिया अलायंस गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो भानुमति का कुनबा बनाया जा रहा है वो अब एकला चलो की राह पर है। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार संसद में 400 सीटें लाने की गारंटी दी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में जवाब देते हुए मोदी ने कई गारंटी दी। 2024 के लोकसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा। अर्थव्यवस्था पर उन्होंने जनता को गारंटी दी कि तीसरे टर्म में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कांग्रेस को जमकर सुनाया और ये दोहराया कि जिसने देश का पैसा लूटा उसे लौटाना होगा। और राष्ट्र निर्माण पर उन्होंने देश को ये आश्वासन दिया कि उनकी सरकार विकसित भारत का संकल्प पूरा करेगी। तो संसद में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी। तो पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम को कांग्रेस का नाम लिए बिना नींद नहीं आती है। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझने की मानसिकता को बदलना जरूरी है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि देश में सिर्फ दो जातियां हैं, अमीर और गरीब, मगर संसद में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझने की इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। मोदी जी इधर उधर की इतनी बातें करते हैं तो गिनती से क्यों डरते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस का नाम लिए बिना नींद नहीं आती। वो परिवारवाद के बारे में बोले, हमारे नेताओं ने देश के लिए जान दी है। मैं पूछना चाहता हूँ पीएम मोदी से कि आपकी पार्टी या आपके राजनीतिक वंशजों में से किसने देश की आजादी, एकता और अखंडता के लिए अपनी जान दी है। एक ही भाषण दे चुके हैं, नामदार कामदार कितने बार बोलेंगे। नेहरू जी का देहांत होके 60 साल हो गए, फिर भी उसी गीत गाते रहेंगे। ये क्या हो गया मोदी जी को। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का दर्द एक बार फिर छलक आया है। मांझी ने नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी भागीदारी बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक रोटी से पेट नहीं भरता, उन्हें और अधिक हिस्सेदारी चाहिए। हमारा कार्यकाल 43 साल का चल रहा है, तो वैसे में हमसे अपेक्षा लोग करते हैं कि कुछ सड़क बनवा दीजिए, कुछ पुल बनवा दीजिए। सब दिन एक ही विभाग को हम लोग देखते रहे हैं, ये अच्छा नहीं थोड़ा लगता है। जीतन राम के बेटे को नीतीश सरकार में पहले ही मंत्रालय मिल चुका है। हालांकि जीतन राम मांझी ने ये भी कह दिया कि 12 फरवरी को होने वाले शक्ति परीक्षण में नीतीश सरकार फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करेगी। मांझी ने ये भी दावा किया कि विपक्षियों के भी कुछ वोट सरकार हासिल कर सकती है। कोई रंजिश नहीं है, इसके चलते कोई समर्थन देने और लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि हम नीतीश जी के साथ, एनडीए के साथ हैं। झारखंड में चंपाई सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है और अब बारी नीतीश कुमार की है। इस बीच खबर यह है कि नीतीश कुमार कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। 81 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस और आरजेडी समेत 47 विधायकों ने चंपाई सरकार के पक्ष में वोट डाले, जबकि विरोध में 29 विधायकों के वोट पड़े। वहीं अब 12 फरवरी को बिहार में नीतीश सरकार अग्नि परीक्षा से गुजरने वाली है। नीतीश कुमार को भी विश्वास मत हासिल करना है। तेजस्वी यादव यहां खेला होने का दावा पहले ही कर चुके हैं। झारखंड की तरह बिहार में अब कांग्रेस के 19 विधायक फ्लोर टेस्ट के दिन पटना लौटेंगे। बिहार कांग्रेस के 16 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। जिस तरह से विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया, उसको लेकर सत्ता पक्ष भी कांग्रेस पर निशाना साध रहा है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक बिहार सीएम नीतीश कुमार 7 फरवरी को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम नीतीश और पीएम की मुलाकात अहम मानी जा रही है। खबरों के मुताबिक नीतीश 2 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर आएंगे, जहां वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, क्या इस तरह चुनाव आयोजित कराए जाते हैं? ये लोकतंत्र का मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम बेहद निराश हैं। इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये एक रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार होता है? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से जुड़े सभी रिकॉर्ड को हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अगले आदेश तक चंडीगढ़ कॉरपोरेशन की बैठक नहीं होगी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर की जीत हुई है। चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साझा उम्मीदवार उतारा था और उनके उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन मतों की गिनती के वक्त 8 मत अवैध करार दिए गए। ये सभी मत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नेताओं के थे। इसके बाद चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जहां कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी पर सख्त टिप्पणी की। इस पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। महाराष्ट्र के पुणे में स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज की 75वीं जयंती पर आयोजित गीता भक्ति अमृत महोत्सव के उद्घाटन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने इसे साहसिक कार्य बताया। इस पीढ़ी के भाग्य में आया रामलला जीवंत अपने अधिष्ठान पर वहां पर खड़े हैं ये देखने का। ये हुआ है। इसके बाद भागवत ने भारत से दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहने की अपील की। भारत को उठना है, भारत को बड़ा होना ही है, विश्व को आवश्यकता है। अगर किसी कारण भारत वर्ष समर्थ नहीं हुआ तो विश्व को बहुत जल्दी विनाश का सामना करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मोहन भागवत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। वहां उन्होंने संविधा कार्यालय में संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आज वो उज्जैन में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अयोध्या में दर्शन करने वालों की गिनती दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। नेता से लेकर श्रद्धालु तक बड़ी संख्या में भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सभी आज अरुणाचल प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। और इस बीच काशी मथुरा को लेकर बयानबाजी का दौर थम नहीं रहा है। अयोध्या में राम भक्तों की कतार हर बीतते दिन बढ़ती ही जा रही है। भगवान राम को भी लोग बढ़ चढ़कर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। खबर है कि आज अयोध्या में अरुणाचल की कैबिनेट दर्शन करने जा रही है। हालांकि इस बीच राम मंदिर के अधिकारी तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंच गए। दरअसल अयोध्या में बढ़ रही भक्तों की भीड़ को कैसे व्यवस्थित रखा जाए, इसके संबंध में अध्ययन करने टीम तिरुपति गई है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही हजारों की संख्या में भक्त हर दिन रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दर्शन के पहले ही दिन अयोध्या में हालात कुछ खराब हुए थे, जिसके बाद सीएम योगी ने खुद अधिकारियों से मुलाकात की थी। इन सबके बीच अयोध्या में ज्ञानवापी और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी बहस तेज हो गई है। पहले से भी हम कहते रहे कि हम तो रहीम और रसखान मानते हैं, तीन मांग रहे हैं, तीन नहीं तो 30,000। देश में वर्चुअल रियलिटी यानी कि वीआर एक वरदान की तरह साबित होने वाला है। पैरालिसिस के इलाज के लिए विशेषज्ञों ने एक तकनीक तैयार की है, जिससे शरीर के बेजान अंगों में जान वापस लाई जा सके। वीआर, जिसे अब तक देश में बच्चे और जवान कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल अब लोगों के इलाज के लिए होगा। खेल पर आधारित इस टेक्नोलॉजी के जरिए लकवे के मरीज और हाथ पैर या शरीर के किसी अंग के बेजान होने के बाद उसमें जान वापस लाई जा सकेगी। वीआर बॉक्स ने फिजियोथेरेपी की टेक्नोलॉजी को एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टरों के साथ मिलकर तैयार किया है। शरीर का जो हिस्सा बेजान है उसमें जान वापस लाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं। मरीज को इसे पहना दिया जाता है और वो किसी खेल की तरह काम करने लगता है। अभी तक ये काम न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, लेकिन भारत में मरीजों की भीड़ और जरूरत के हिसाब से इतने एक्सपर्ट मौजूद नहीं हैं, जो घंटों तक मरीजों को ट्रेनिंग दे सकें। जबकि वीआर बॉक्स इस परेशानी का हल तो करेगा ही, साथ ही डॉक्टर वैज्ञानिक तरीके से मरीज के सेशन को रिकॉर्ड करके उसकी परफॉर्मेंस को समझ सकेंगे। फेलोशिप प्रोग्राम के तहत दो मैकेनिकल इंजीनियर हरे कृष्णन और ऋषिकेश ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है।